तो भैया अभी एक रिसेंटली डकी भाई की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है। अगर तुम डकी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हो, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हो, बहुत बड़े उनके अखरोट हो, तो आपसे मेहरबानी कि वीडियो को यहीं से छोड़ दो, क्योंकि आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद। मैंने डकी भाई की वीडियो देखी कि वो सबको समझा रहे हैं कि आपको क्यों यूट्यूब चैनल एक नहीं बनाना चाहिए और जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिपका हो जाएगा। बेसिकली डकी भाई लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जब खाना तुम्हारे आगे रख दिया जाए तो तुम उसके ऊपर हाथ ना मारो, उसका निवाला ना बनाओ, अपने मुँह के अंदर ना डालो, बस बैठ के वेट करते रहो। अगर आधे घंटे में एक घंटे में उड़ के तुम्हारे मुँह के अंदर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर दूसरी जगह ट्राई करो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, फिर तीसरी जगह ट्राई करो, वो खाना भी तुम्हारी तरह नहीं है। डकी भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड के आपको मेहनत करनी पड़ती है। खाना अगर सामने आके किसी ने रख दिया है, अगर एक प्लेटफॉर्म YouTube आपको मिल गया है, आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। YouTube टेक्स योर टाइम, तुम एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर ही दुनिया के अंदर फेमस नहीं हो जाओगे, समझ लो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों को कह रहे हो कि खाना आगे रख दिया जाए, उसके ऊपर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना, बिल्कुल भी हाथ नहीं मारना, बिल्कुल भी निवाला नहीं बनाना, और इन द एंड ऑफ द डे उठ के दूसरी जगह ट्राई करना, फिर तीसरी जगह ट्राई करना, वो खाना तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है डकी भाई, बिल्कुल भी। अगर आप YouTube पर आए हो तो आपको लोगों को समझाना चाहिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट आपको दुनिया के सामने लाना पड़ेगा, ना कि आप लोगों को डीमोटिवेट करो और इनको समझाओ कि आपको YouTube चैनल बनाना ही नहीं चाहिए, तो आपके लिए बना ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा कंटेंट दुनिया के सामने लाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, YouTube को टाइम नहीं दोगे, YouTube को सीरियस नहीं लोगे, तो फिर आप YouTube पे कामयाब नहीं हो सकते। और वो लोग जो अभी नए नए YouTube पर आए हैं या आना चाहते हैं या चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो YouTube अब एक बिल्कुल कैरियर बन गया है। जैसे जैद अली ने अपनी लास्ट वीडियो में कहा ना, YouTube एक कैरियर है, YouTube के बकायदा कोर्सेज होने चाहिए, बकायदा पूरे इसके बिजनेस स्कूल खुलने चाहिए, जहाँ पर YouTube एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू अर्न दिस सोशल मीडिया ये अलग से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और आप इतने बड़े यूट्यूबर हो के 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स लेकर आप यहाँ पर बैठकर लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो कि आपको तो चैनल बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो आपके लिए बना ही नहीं है, ये तो आपके लिए है ही नहीं। भाई, YouTube एक कैरियर है लोगों के लिए, लोगों के घर चल रहे हैं इससे, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं इससे, लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लोग इससे अच्छा कमा रहे हैं। तो डकी भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस तरह लोगों को डिमोटिवेट नहीं किया जाता। ठीक है, आप लोगों को समझाना चाह रहे होंगे कि भाई ऐसा मत करो, दूसरे का ट्राई करो, तीसरे का ट्राई करो, लेकिन मेरा ये सवाल है कि YouTube को छोड़ो ही क्यों? क्या दूसरे और तीसरे काम हो सकते हैं? क्या वहाँ पे YouTube नहीं हो सकती? क्या YouTube आपसे कोई मंथली पैसे ले रही है वीडियो अपलोड करने के? क्या आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? एक छोटा सा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन YouTube पर आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, वीडियोस अपलोड करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अपना सारी जॉब छोड़ो, अपनी पढ़ाई छोड़ो, अगर YouTube के ऊपर बैठ जाओ, नहीं। लेकिन जहाँ सारे काम कर रहे हो वहाँ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा YouTube को भी दो, अपनी वीडियो बनाओ, एडिट करो और चढ़ा दो। वो डेली रूटीन के काम जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हो, वो उल्टी सीधी हरकत जो आप करते हो, वो आप रिकॉर्ड करो और YouTube पे चढ़ा दो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कामयाब हो जाओ, और इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब हो गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हो, आप एक बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। लेकिन डकी भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लोगों को गालियाँ बकने तक ठीक था, लोगों को बुरा भला कहने तक ठीक था, लेकिन डीमोटिवेशन एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये किसी बंदे को लग गई, आपकी वजह से किसी ने अपना कैरियर छोड़ दिया, सोचो उसका क्या होगा, सोचो उसकी फैमिली का क्या होगा, सोचो उसके चाहने वालों का क्या होगा। लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उठा के डाल दी वीडियो अपने चैनल के ऊपर और लोगों को समझाने बैठ गए कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अगर समझाना है तो कोई अच्छी बात समझाओ, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। किसी को नहीं बता सकते कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं, किसी को टिप्स नहीं दे सकते, नहीं दो, कोई मांग भी नहीं रहा तुमसे, लेकिन किसी को डिमोटिवेट भी ना करो, किसी को ये भी ना बोलो कि तुम नहीं कर सकते, किसी को ये भी ना बोलो कि चैनल तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, यूट्यूब तो तुम्हारे लिए बनी नहीं है, यूट्यूब सबके लिए बनी है। हर वो शख्स जो चाहता है यूट्यूब चैनल खोलना, मैं आज उसे कहता हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल खोलो, कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो दुनिया तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो दुनिया तुम्हें ढूंढ लेगी। और डकी भाई के वो फैंस जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो बुरी लग रही है तो आप स्किप करके छोड़ दें, नो नीड टू सब्सक्राइब मी। अब बहुत से लोग इसके अंदर से जागेंगे, सबके कैलकुलेटर खुलेंगे, ये बंदा तो ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आया हुआ है, ये व्यूज़ लेने के लिए डकी भाई का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको बिल्कुल सही लग रहा है,
मैं अगर आया हूँ YouTube पर तो व्यूज़ लेने आया हूँ, ये वीडियो बनाकर अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ YouTube पर तो इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। मैं कोई यहाँ पे अंडे प्याज बेचने नहीं आया हूँ, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेने ही आया हूँ, इसीलिए कॉन्टेंट बना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती तो सब्सक्राइब करो, आपको नहीं पसंद आती देन नो नीड टू सब्सक्राइब। कौन आपके हाथ पांव जोड़ रहा है? अल्लाह का शुक्र है अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन YouTube भी नहीं छोड़ता। अपना काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपनी हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन YouTube को छोड़ भी नहीं रहा, कंटिन्यूसली वीडियोज़ भी बना रहा हूँ और अपलोडिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम आएगा 4 साल 5 साल 10 साल लग जाएंगे, फिर जाके लोगों को मेरा कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ बनाता रहूँगा, मैं अपना काम भी करता रहूँगा, मैं अपना बिजनेस भी करता रहूँगा, अपनी स्टडी भी करता रहूँगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। अगर आपका भी ऐसा एटीट्यूड है कि अपने जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ अगर आप वीडियोज़ बना सकते हो तो आप बनाओ, छोड़ना नहीं किसी की भी बातों में आकर, कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।